हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, ऐसा है कि डे वन एडिशन के होने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हो चुका है ऑफिशियल। बट क्या उस मैच में हमें देखने को मिलने वाली एक काफी बड़ी शॉकिंग थिंग, तो वो क्या कुछ चीज है, आज के इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ रोमन रेंस ने क्या कुछ की है मैसिव अनाउंसमेंट। इसके अलावा जे उसो क्या बनने वाले गुंथर को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो गाइस, सबसे पहले हम जे उसो के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने से जुड़ी अपडेट के बारे में ही कर लेते हैं बात। तो सबको पता ही है रेसलमेनिया 40 में हमें जे उसो वर्सेस जिमी उसो का मैच देखने को मिलने वाला, ये बात लगभग क्लियर है, जिसकी वजह से WWE ने दोनों को सेपरेट ब्रांड में रखा है ताकि वो रेसलमेनिया तक रुक पाए। बट क्या गाइस, इस मैच में हमें रहते हुए दिखने वाली है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ऑन द लाइन। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, इस वीक के रॉ में गुंथर ने फिर से मिस को हराकर रिटेन कर ली अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और वो बैकस्टेज इंपीरियम को जाकर बोलते हैं कि मैं जब तक ऑफ रहता हूं तब तक तुम सारे बिजनेस को हैंडल करो। बट हम सब देखते हैं कोफी किंगस्टन जो कि सेंटा क्लॉस बनकर आए थे उन पर इंपीरियम करने रखती है अटैक। तभी जे उसो उन्हें आते हैं बचाने और जे उसो वर्सेस लुडविक काइजर का मैच हमें देखने को मिलता है, जहां पर जीत हमें देखने को मिलती है जे उसो की। यानी कि गाइस, इसके चांसेस काफी ज्यादा बन चुके हैं कि जे उसो होने वाले हैं गुंथर के नेक्स्ट चैलेंजर। वहीं बात कर ली जाए वो हमें बनते हुए क्यों दिख सकते हैं न्यू चैंपियन, तो आप सबको पता है गुंथर हमें एलिमिनेशन चैंबर के पेपरव्यू में कम्पीट करते हुए नहीं दिखने वाले, बिकॉज वो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में और गुंथर ने कहा था कि उनके वीजा या फिर किसी चीज में प्रॉब्लम वगैरह चल रही है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल इवेंट में नहीं कर सकते हैं कम्पीट। इसलिए गाइस, WWE हमें गुंथर से लेते हुए दिख सकती है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और जे उसो को तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए भाई सभी कोई देखना चाहते हैं। वैसे आप क्या चाहते हो, जे उसो वर्सेस जिमी उसो का एक नॉर्मल मैच हो या फिर चैंपियनशिप के लिए, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि रोमन रेंस ने कौन सी की है बड़ी अनाउंसमेंट। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, लास्ट स्मैकडाउन में हमें रोमन रेंस देखने को मिले थे, जहां पर काफी कुछ केओस मस्ते हुए दिखा था। बट एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट की थी रोमन रेंस ने अपने सेगमेंट के स्टार्टिंग में कि ब्लड लाइन को जो आगे लेकर जाने वाला है वो है सोलो सिकवा। यानी कि रोमन रेंस ने सोलो सिकवा को बना दिया है ट्राइबल प्रिंस, जिससे जिमी उसो तो खुश नहीं हुए। बट गाइस, इस चीज को कंफर्म करते हुए रोमन रेंस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू सोलो सिकवा को हक करते हुए एक फोटो पोस्ट किया है और कैप्शन लिखा है नेक्स्ट इन लाइन #bloodline। और जिमी उसो भी उस फ्रेम में जो कि सब कुछ देख रहे हैं। यानी कि गाइस, अभी ब्लड लाइन में किसी के साथ अगर सबसे बुरा हो रहा है तो वो है जिमी उसो। बट हां भाई, यहां से रोमन रेंस ने इस बात को कर दी है साफ कि उनके जाने के बाद जो सुपरस्टार ब्लड लाइन को करने वाला है कैरी, वो है सोलो सिकवा। वैसे आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है रोमन रेंस के बाद कौन बनने वाला है नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। और अब फाइनली बात कर ली जाए अपने सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है डे वन एडिशन के रॉ में। देन जैसा कि गाइस, ये मैच तो लास्ट वीक के रॉ में कंफर्म हो गया था, बट हां, इस वीक के रॉ में अगेन इनका में एक काफी कमाल का सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर ड्रू मैकेंटायर ने उन्हें बताया कि आखिर क्यों उन्हें जीतना जरूरी है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। जिसके बाद सेथ रॉलिंस ने कहा कि तुम्हारी बातें और तुम्हारी एक्शन दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों ही मैच नहीं होती, तुम बोलते कुछ और हो करते कुछ और हो, तुमने कहा तुम चेंज हो चुके हो, इसका तब क्या हुआ, तुम अब चीटिंग करने वाले हो, शॉर्टकट अपनाने वाले हो या फिर कुछ और। जिसके बाद सेथ रॉलिंस ने कहा कि मैं तुम्हें हेट नहीं करता हूं, मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील करता हूं। इसके बाद ड्रू मैकेंटायर अटैक करना शुरू कर देते हैं सेथ रॉलिंस पर और उनका वो हील वाला मूव आ चुका है वापस, जो कि वो पहले यूज किया करते थे। और इस सेगमेंट के बाद लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं इनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के लिए, जो कि होने वाला है डे वन एडिशन के रॉ में। सो बात कर ली जाए कि क्या कुछ होने वाला है इस मैच में, देन गाइस, ये डे वन एडिशन का मंडे नाइट रॉ एक स्पेशल रॉ होने वाला है। यहाँ पर हमें WWE डेफिनेटली से कुछ ना कुछ सरप्राइज देने वाली है और ड्रू मैकेंटायर एंड सेथ रॉलिंस दोनों को देखकर नहीं लग रहा यहाँ पर उनकी हार हो सकती है, यानी कि WWE किसी और तरह से करने वाली है इस मैच को एंड। और सबसे पहला तरीका तो निकल कर आता है कि ये मैच हमें डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह से एंड होते हुए दिख सकता है, जिसके बाद इनका मैच हमें फिर से बुक होते हुए दिखे रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट में। और जो सेकंड थिंग हो सकती है वो है किसी की इंटरफेरेंस, और दो सुपरस्टार जो कि इस मैच में करते हुए दिख सकते हैं अपनी इंटरफेरेंस, सबसे पहले तो है ब्रॉक लेसनर एंड सेकंड है CM Punk। अब CM Punk का केस तो आप सब जानते हो, ड्रू मैकेंटायर एंड सेथ रॉलिंस दोनों ही पसंद नहीं करते हैं CM Punk को। और ब्रॉक लेसनर की बात कर ली जाए, देन गाइस, ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 40 का पार्ट होने वाले, WWE वहां पर उन्हें कर रही है एडवर्टाइज, और ऐसी अपडेट भी निकल कर आई थी कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें जनवरी में देखने को मिलने वाला है और फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें रॉयल रंबल में वापस आते हुए दिख सकते हैं। वेल, चांसेस तो वहीं पर ज्यादा लग रहे। बट गाइस, जब WWE ने 1 जनवरी के होने वाले मंडे नाइट रॉ को एक स्पेशल रॉ रखा है, तो वहां पर हमें
देखने को मिल सकता है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, जो कि आकर ड्रू मैकइंटायर एंड सेथ रॉलिंस दोनों पर करते हुए दिख सकते हैं अटैक, जिसके बाद वो अपनी एंट्री अनाउंस करते हुए दिख सकते हैं मैच रॉयल रंबल मैच के लिए, या फिर हो सकता है वो हमें सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए भी जाते हुए दिख जाए। बिकॉज भाई अभी चीजें बिल्कुल सिंपल लग रही है, यानी कि सभी को लग रहा है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच ही हमें देखने को मिलने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। बट अगर ब्रॉक लेसनर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के पिक्चर में हो जाते हैं एट द एंड, डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच भी हमें करवाते हुए दिख सकती है। बिकॉज इनकी हिस्ट्री तो आप सब जानते ही हो, दोनों ही है पॉल हेमन गाय। और वैसे भी गाइज नई साल की स्टार्टिंग हो रही है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे एक रिटर्न के साथ ही करना चाहेगी। इसलिए लेट्स सी कि गाइज क्या ब्रॉक लेसनर का होता है रिटर्न डे वन एडिशन के रॉ में, या फिर वो हमें डायरेक्ट आते हुए दिखते हैं रॉयल रंबल में। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आप क्या चाहते हो, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न डे वन में हो या फिर हो रॉयल रंबल में। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।